हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज था पर्ल का बर्थडे और उसी दिन मेरी सुबह सुबह सारा काम तो हो गया था और उसी दिन मेरी उंगली कट गई। फिर मैं रो रही थी, रोते रोते गई डॉक्टर के और पट्टी करवा के आई। ये छोटी बुआ है पर्ल की, ये बना रही थी खीर और यहाँ मैं कर रही थी अपना मेकअप नहाने के बाद, क्योंकि बुआ भी आने वाली थी और मौसी भी जो आई थी वो भी आने वाली थी। तो फिर मैंने जल्दी से किया मेकअप, तो गाइस उसके बाद मैंने मेकअप कर लिया था और फिर मैंने एक दो रील बनाई। फिर आ गई थी मौसी, फिर मैंने उनके लिए बनाई चाय वगैरह और दीदियाँ प्याज और टमाटर को काट पीट रही थी। फिर मैंने उनको सारे इनको पीसा और फिर मैंने इनको चाय वगैरह दे दी। मम्मी बैठी थी, फिर हमारे डेकोरेशन वाले भी आ गए थे और वो यहाँ अंदर कमरे में थे, यहाँ वो थी मौसी की लगा रही थी और फिर डेकोरेशन की वो भी बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया, बन गया था पनीर की सब्जी भी, पूरी वूरी पूरी सब बन गई थी और मैसे भी रेडी होने वाली थी। बाहर डेकोरेशन भी हो गई थी, चले गए थे डेकोरेशन वाले, उसके बाद ये इतने सारे बैलून दीदी ने फोड़ने के लिए बच्चों से फुलवाए थे और जो वो डेकोरेशन ये सारे बच्चों ने फुलाए और वो जो है डेकोरेशन वाले वो नहीं फुला के गए क्योंकि वो अपना काम करके गए थे जितना उनको काम दिया था। और ये वाला सूट मैं पहन ली क्योंकि ये वाला पहना था सुबह से ट्राउज़र का, तो अब ये वाला पहन के बाद गाइस मैंने ये वाला सूट पहन लिया था। और पहनने के बाद फिर केक कट होने वाला था तो बुला रहे थे और यहाँ दीदी और दोनों जेठानी और छोटी वाली मम्मी मौसी मतलब और दीदी यहाँ पोज दिए खड़े हैं। देखो देखो दीदी सब लेंगी ना चेक करके। मम्मी ये बड़ी बुआ, ये बीच वाली बुआ, फिर उनसे छोटी बुआ, फिर वो मौसी, ये सबसे छोटी बुआ, सबसे छोटी सू बड़ी, ये दीदी भगवान को कहीं नाम ले सौ दिनों को खबारी है।
थर्ड आउट है। थैंक यू पाँच। बैठे अरे बहुत बड़ा सीन आपका। अब देखो ये जा रही है। तो गाइस ये मिले थे लालो को गिफ्ट, ज़्यादा नहीं मिले थे क्योंकि सबने ज़्यादातर पैसे दिए थे जो भी दिए थे और सब फैमिली थी इसलिए। तो ये लाई थी छोटी वाली बुआ ये वाले कपड़े वाइट वाले, और जो ग्रीन वाले कपड़े हैं ये लाई थी सबसे बड़ी वाली बुआ। तो गाइस ये वाला गिफ्ट मंगाया था मैंने अपनी तरफ से, और वैसे मैंने पैसे दिए थे 500 रुपये, और ये वाला गिफ्ट दिया था भैया। अभी मैं मतलब मेरी कोई जॉब वगैरह भी नहीं है और इसके चाचा की भी नहीं है, तो जितना हम कर बना उतना हमने कर दिया। ये वाला फ्रेम मैंने अपने बाबू के लिए मंगाया था, और मंगाया बड़ा था पर गाइस आ गया छोटा। कैसा तो गाइस जो मेरी उंगली कटी थी वैसे देखो कितनी सूज रही है, रिंग भी नहीं उतर पा रही, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई इस पर देखो। ये जो है ना ये चिपक गया है, वरना ये हट गया था बिल्कुल। और गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसा घर हो गया था ना बहुत ज़्यादा बेकार, सारे घर में कचरे ही कचरा, वैसे कुछ फंक्शन होता है ना तो ऐसा हो जाता है, वो तो है ही भाई। और किचन भी अब बिल्कुल बर्तन बर्तन दीदी धो दिए, बिल्कुल साफ हो गई है, इसमें सब्जी और खीर रख दी है, और दीदी अभी झाड़ू लगा रही है, यहाँ से तो बिल्कुल साफ हो गया। सोफा वोफा भी साफ कर दिए, और बाहर से मैंने सारा वहाँ से भी धोया, बाहर से और वहाँ से भी धोया किराएदारों को, जब वहाँ थोड़ा खाना भरा था, और यहाँ से बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया धोधा के। यहाँ पता नहीं क्या हो गया, गंदगी सी हो रही है। अरे गाइस ये बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये ना मतलब मोटर में कुछ ख़राबी आ गई थी इसकी वजह से यहाँ से खोद पड़ गई, टैल हटानी पड़ गई, और ये मैंने सारी रिंग जो थी उनकी रिंग हटा के रख दी है, अपने बैलून उठा के रख लिए। अरे देखो साफ़ हो गया घर। तो गाइस मेरी पट्टी खुल गई थी बर्तन मानते मानते, तो इनने मेरे ये बांध दिया कपड़ा, क्योंकि रात के 12 बजे कौन डॉक्टर बैठा है, इसलिए सुबह पट्टी करवा के आऊँगी। तो गाइस जो मोहित भाई ने गिफ्ट दिया था एक उनने दिया है, और तो बस आया ही कौन था अपने सब घर घर के लिए। ये तो मेरे को उठ भी ना रहा, मतलब उठने के लिए तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर यह भारी है, पर इतना सा बॉक्स है पर भारी है, खोलना अनबॉक्सिंग करो इसकी। बहुत सारी अच्छा ये वाली है, अच्छा ये है इसमें गाइस जैसे फ्रूटी होती है ऐसे हैप्पी है। चलो तो ये गिफ्ट दिए हैं, थैंक यू, तो ये भी थैंक यू एक साथ बोला है दोनों ने, लाला की तरफ से भी थैंक यू, थैंक यू भाई पापा, बोलो बोलो जल्दी।